मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं प्रथमाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् बोले सुमतिनाथ भगवान की कल्याण नाथ भगवान की परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचर रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य बारिदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संयम महोत्सव की उपस्थित महानुभावों पांचवी शताब्दी में महानतम आचार्य भगवंत हो गए उन महानतम आचार्य देव ने अपने जीवन में तीर्थंकर प्रभुओं की दिव्य ध्वनि को लिपिबद्ध करने का पुरुषार्थ किया और आज हमारे सामने वह जिनवाणी के रूप में प्रथमान योग कर्णानियोग चरणानियोग और द्रव्यान योग के रूप में हमें मिल रहा है वे महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए जो अपने पैरों में गगनगामी लेप लगा करके विहार किया करते थे जिनके चरणों दक से लोहा सोना बन जाया करता था देवता लोग जिनके चरणों में नतमस्तक होते थे और जिन्होंने कर्नाटक प्रांत में कनकगिरी क्षेत्र पर समाधि मरण को प्राप्त किया ऐसे महानतम आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं उन स्वामी ने ओमा स्वामी आचार्य देव के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर जिन्होंने टीका ग्रंथ का निर्माण किया उस टीका में गागर में सागर भर देने का काम पूज्यपा स्वामी ने किया और संस्कृत की दस भक्तियों का वर्णन उन्होंने अपने जीवन के अंदर लिखा जिनकी नेत्र ज्योति चली गई थी और जिन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्तवन करके पुनः नेत्र ज्योति को प्राप्त कर लिया था ऐसे पूज्य पाद आचार्य देव ने मन को शुद्ध करने के लिए वचन की शुद्धि करने के लिए और काय की शुद्धि करने के लिए तीनों प्रकार से ग्रंथों का निर्माण किया मन की शुद्धि के लिए उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का निर्माण किया वचन की शुद्धि करने के लिए व्याकरण ग्रंथों का निर्माण किया और काय की शुद्धि के लिए उन्होंने कल्याणकारक जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों का लिखा क्योंकि वर्तमान का प्राणी अपने जीवन में मन से पीड़ित हैं वचन से पीड़ित हैं और काय से पीड़ित है इन तीनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पूज्य पाद आचार्य देव ने ग्रंथों का निर्माण किया आज वे ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल रहे हैं सुनने को मिल रहे हैं देखने को मिल रहे हैं ये हमारा परम सौभाग्य है उन पूज्य पाद आचार्य देव की वह मंगलमय कृति इष्टोपदेश ग्रंथ है इष्टोपदेश का मतलब होता है जिसमें इष्ट का उपदेश दिया गया है इष्ट हमारा क्या है किसी का धन इष्ट हो सकता है किसी को परिवार इष्ट हो सकता है तो किसी को व्यापार इष्ट हो सकता है किसी को कोठी बंगले इष्ट हो सकता है लेकिन हमारे पूज्यपाद आचार्य देव ने कहा कि ये सब तो बात की बात है इन सब साधनों से व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा कुछ मिल जाएगा लेकिन ये तो वापिस नाश को प्राप्त होने वाला है उन्होंने अपने जीवन में उस इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की और इष्ट हमारा क्या है तो उसके लिए उसमें उपदेश दिया गया है इष्ट का इष्ट हमारा कौन है या तो हमारा परमात्मा इष्ट है हमारे पंच परमेश्ठी इष्ट हैं क्योंकि पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त करने का उपदेश हमें दिया गया है लेकिन इन पंच परमेष्ठी के माध्यम से हमें अपने जीवन में वह इष्ट जो हमारा सुख है वो इष्ट हैं, उस सुख को प्राप्त करने का उपदेश उस ग्रंथ के अंदर दिया गया है पूज्यपा स्वामी ने कहा गुरुपदेशाद्यासात संवित है स्वपरांतरम जानाति यश जानाती मोक्ष सौख्यम निरंतरम मोक्ष सुख को कौन जान सकता है अपने में ताकत है हैं? विनोद भाई अपने में ताकत है कि अपन मोक्ष सुख को जान ले नंदिता ताकत है अपने में है हमारे भीतर ताकत है जान सकते हैं लेकिन कैसे जाने हम जानते हैं कि दूध के अंदर घी है लेकिन दूध में से घी कैसे निकाला जाए इसको जानना आवश्यक है हम भी मोक्ष सुख को जान सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर ऐसी शक्ति है ऐसी ऊर्जा है और जो है उस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने जीवन में अपनी आत्मशक्ति को प्रकट कर सकते हैं आत्मशक्ति को जान सकते हैं और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कैसे जानेंगे तो उसके लिए कहा गुरुपदेशा सबसे पहले कहा कि तुम अपने जीवन में गुरु का सत्संग करो और गुरु का सत्संग होने पर ही हमें उपदेशात हमें सन मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सकता है बाकी गुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता गुरु अभ्यासात हमने गुरु को प्राप्त कर लिया गुरु का उपदेश प्राप्त कर लिया और उसके बाद में अभ्यास यदि विद्यार्थी स्कूल में पढ़ करके आए और जो घर में आकर के होमवर्क नहीं करें रिवीजन नहीं करे तो क्या होगा वह परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता हम रोज प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं सुनते ना तीन दिन हो गए और इसके पहले भी हमने बहुत कुछ सुना लेकिन कितने लोग अपने जीवन में उपदेश को श्रवण कर पाए सुना तो बहुत हम सुनते बहुत हैं, सुनने में कोई कमी नहीं रखते हैं लेकिन हृदयंगम हम कितना कर पाते हैं जिन प्राणियों ने अपने जीवन में हृदयंगम किया वे अपने जीवन में साधु पद को प्राप्त हो गए दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए और अपने जीवन में आत्म साधना करने में संलग्न रहे क्योंकि सुना हुआ उपदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में वह अवश्य काम आता है भगवान महावीर के जीव ने शिव की पर्याय में उपदेश श्रवण किया दो निराजों का निमित्त मिल गया और भीतर जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई भगवान पार्शनाथ के जीव ने हाथी की पर्याय में गुरु के मुख से उपदेश सुना तो व्रतों को धारण कर लिया और अपने भाव को सुधार लिया और दसवें भाव में भगवान पारसनाथ बन गए तो अपन तो रोज रोज उपदेश सुनते हैं कभी ना कभी ये देशना हमारे जीवन में काम आएगी अवश्य आएगी क्योंकि देशना लब्धि कभी व्यर्थ नहीं जाती है तो जहां गुरु का उपदेश प्राप्त होता है तो वहां पर स्व पर अंतर स्व और का भेद विज्ञान होता है और जहां पर भेद विज्ञान होता है जानात जानाति इस प्रकार जो स्व क्या है पर क्या है इस बात को जो जानता है वही मोक्ष सुख को निरंतर जानता है जहां गुरु गुरु का मतलब होता है गिरती अज्ञानम इति गुरु जो हमें अज्ञान अंधकार से गिरा देता है क्योंकि गुरु के पास में वो शक्ति है वो सामर्थ्य है वो सम्य ज्ञान का प्रकाश है कि गुरु हमें अपने जीवन में अपने शिष्य को जो है पूरे अज्ञान से खाली कर देते हैं और हमारे भीतर जो है ज्ञान का प्रकाश ऐसा भर देते हैं कि फिर उस शिष्य की नैया ही पार हो जाती है जिस प्रकार से भगवान महावीर ने इंद्रभूति के जीवन में उसके पास में जितना भी अज्ञान था सारे अज्ञान को दूर करके उनके भीतर ऐसा सम्य ज्ञान का प्रकाश दिया जिसके कारण उनके दीक्षा के भाव परिणत हो गए और जो है भगवान महावीर के समो शरण में जाकर के दीक्षा ग्रहण करके गणधर पद को प्राप्त हो गए दुनिया में गुरु बहुत बड़ी चीज है गुरु की महिमा हम नहीं बता सकते अपन रोज बोलते हैं। गुरु की महिमा वर नीन जाए गुरु नाम जपो मन वचन काय गुरु की महिमा दुनिया में गुरु सबसे बड़ा होता है इसलिए जो है सबसे पहले गुरु का स्थान जन्म लेते ही सबसे पहले गुरु मिलते हैं पहला गुरु माता पिता दूसरा गुरु हमारा आध्यात्मिक गुरु जिसके कारण हमारे जीवन की नैया आगे बढ़ती चली जाती है गुरु गुरु का मतलब होता है गुरु बना कैसे हैं? गुरु को बनाया किसने किसने बनाया गुरु को हैं कमल जी किसने बनाया लगने में तो ऐसा लगता है कि गुरु को बनाया ही नहीं किसी ने भी लेकिन जहां पर हमने चार अक्षरों को जोड़ दिया गुरु में चार अक्षर हैं ग उ र ये चार अक्षर हैं इन चार अक्षरों ने मिलकर के गुरु बना दिया और ये गुरु की महिमा जो है आज हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है क्योंकि एक शिष्य का एक भक्त का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु की महिमा को बतलाने वाला होता है गुरु तो मौन होता है गुरु बोलता नहीं है शिष्य बोलता है इसलिए जो है गुरु की महिमा का बखान किया जाता है यदि गुरु बोलने लग जाए तो गुरु की महिमा नहीं रहेगी इसलिए शिष्य बोलता है श्रावक बोलता है भक्त बोलता है कि गुरु कैसा होता है ग का मतलब होता है जो गरिमावान होता है और उ का मतलब होता है उदार जिनका हृदय विशाल अत्यंत उदारता को लिए हुए होता है और र जो अपने जीवन में रहस्यों को उद्घाटित करता है उसका नाम है गुरु जो गरिमा से युक्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में अपने पद की गरिमा को रखता है अपनी धर्म की गरिमा को बनाए रखता है जो अपने संयम की अपने तप की अपनी मर्यादाओं की गरिमाओं को जो बनाया रखता है वह गुरु होता है और ऐसे गुरु हमें अपने जीवन के अंदर मिल गए आज जो है चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का हम क्यों मंगल इसमें स्मरण कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया उन्होंने अपने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा नहीं उन्होंने अपने पद के अनुरूप आचार्य पद के अनुरूप रहकर के अपने जीवन में अपने धर्म को आगे बढ़ाया और उसी मर्यादा को जो है आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज अपने जीवन में वे जो है आचार्य शांति सागर महाराज की गरिमा को जो है अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं जहां गुरु कैसे होते हैं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हमारे परम आद्य गुरु रहे कैसा जीवन था गुरु हमेशा करुणा से युक्त होते हैं और करुणा आत्मा का स्वभाव होता है स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है जिनके भीतर करुणा निरंतर सतत दिखाई देती थी दया से ओत प्रोत जिनके रग रग में दया छाई हुई थी ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे जहां ग्रस्त जीवन में ही अपने जीवन में ऐसी दया का पाठ जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पढ़ा अपने गुरु के माध्यम से उनके जीवन में उनका हृदय दया से भीग गया दया से युक्त जिनका जीवन था जिन्होंने अपने जीवन में हर प्राणियों के लिए दया का भाव अपने मन के अंदर रखा और आज जो है उन्होंने अपने जीवन में उस दया का विस्तार किया और इतना विस्तार किया इतना विस्तार किया कि अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण हो गया जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते थे मन में निरंतर यही भावना कि इन विचारों का उद्धार कैसे हो कल्याण कैसे हो केवल मात्र पंचेंद्री की बात नहीं है मनुष्य की ही बात नहीं है उन्होंने तो हर जीव के लिए चिंतन किया यदि हम चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ें तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए कैसे कैसे उनके विचार थे ये हमें अपने जीवन में पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है आचार्य शांति सागर जी महाराज जो हैं अपने जीवन में वे जब गृहस्थ अवस्था में थे और गृहस्थ अवस्था में थे तो उनके पिताजी का काम जो है खेती बाड़ी का काम कृषि का काम करते थे क्योंकि कर्नाटक प्रांत जो है वह कृषि प्रधान प्रांत है आज भी जो है वहां पर खेती होती है खेती होती है जब भीम गौड़ा आचार्य शांति सागर महाराज के पिताजी खेती बाड़ी करते थे तो साथ में सात गौड़ा भी शांति सागर महाराज भी खेती में अपना सहयोग प्रदान किया करते थे जिस समय शांति सागर जी महाराज सात गोड़ा जब खेती करते थे तो हल्की एक भी लाइन टेढ़ी नहीं होती थी बिल्कुल सीधी की सीधी उनकी लाइन जाती थी सब लोग जो हैं अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं किसान लोग जो हैं सात घोड़ा के हल को चलाते हुए देख करके आश्चर्य पड़ते थे ये सात घोड़ा के द्वारा एक भी खेती के अंदर लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है तो पिता के साथ में वे खेती का काम करते थे और जो हैं जब फसल खड़ी हो जाती पकने लगती तो सात घोड़ा को जो है उसकी रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त किया जाता था पिताजी अपना दूसरा काम करते हैं। और जो है बेटे को सात घोड़ा को कहते जाओ तुम्हें खेती रक्षा करना है सात घोड़ा रोज प्रतिदिन जो है खेती पर जाया करते थे आजकल अपन तो खेती करते नहीं हैं अपन तो जॉब वाले हो गए सर्विस वाले हो गए हैं क्योंकि आजकल मेहनत कौन करे आजकल कर तो सब चेयरमैन करके बैठना चाहते हैं हम चेयरमैन खेती करना मेहनत करना कोई करना नहीं चाहता पर ध्यान रखना जो परिणाम खेती में व्यक्ति के होते हैं वो परिणाम व्यापार में नहीं होते हैं वो परिणाम सर्विस में नहीं होते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार खेती तो उत्तम कहा गया है व्यापार को मध्यम कहा गया है क्योंकि खेती में मन वचन और काय इतने सरल हुआ करते हैं कि वहां पर पाप का संचय नहीं हो पाता है और जहां पर व्यापार में व्यक्ति देखता है सामने वाला ग्राहक आया है बहुत अच्छा है बहुत पैसा वाला है जैसे कि आजकल डॉक्टर लोग देखते ना कि डॉक्टर लोग जो हैं अच्छा क्रीज बंद कपड़े पहन करके गए और कार से गए और जैसे ही आप कार से उतरे डॉक्टर की नियत खराब हो जाती है बहुत अच्छा मुल्ला फंसा है इसको पकड़ लेना चाहिए इसलिए आजकल डॉक्टर लोग जो क्या करते हैं एक बार ऑपरेशन थिएटर में ले लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है भले वो मर जाए ऐसे भाव जो हैं उसके होते हैं जहां खेती में किसी प्रकार की कुटिलता के परिणाम लोक के परिणाम मायाचारी के परिणाम नहीं होते हैं सरल परिणाम होते हैं इसलिए उनका जीवन सरल होता है कर्नाटक प्रांत के लोगों का जीवन देखो कितना सरल जीवन है अपन तो कुछ भी नहीं है उनका जीवन देखो शुद्ध खान पान सब चीज घर के अंदर शुद्ध और जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो जिस समय जो है सात घोड़ा खेती की देखभाल करते थे तो सात घोड़ा जो है अपने खेत पे जाकर के बैठ जाया करते थे और खेत पे जाकर के जो है बैठ जाते और जो है सारे पक्षी जो है पड़ोसी के खेत वाले उनको उड़ा देते थे लेकिन सारे पक्षी सात गोड़ा के खेत के ऊपर आकर के बैठ जाते थे सात गोड़ा देखते रह जाते आज तो मेरा भाग्य है क्या सारे पक्षी मेरे खेत में आकर के बैठे हुए हैं और दाना चुग रहे हैं उनको उड़ने उड़ाते नहीं थे और साथ साथ में पानी पीने के लिए एक मटकी के अंदर पानी भर के रख देते थे बहुत बार जो है पड़ोस के किसानों ने देखा और जाकर के जो है उनके पिता से शिकायत कर दी कि भीम गौड़ा तेरा बेटा जो है पक्षियों को उड़ाता नहीं है और सारे पक्षी जो हैं दाना चुक करके चले जाते हैं तेरे घर में फसल कैसे आएगी अब पड़ोसी दुखी हो रहा है इंसान दुखी क्यों है पड़ोसी के कारण दुखी है इसकी फसल नष्ट हो रही है लेकिन जैसे ही पड़ोसी लोगों ने जाकर के उनको जो है शिकायत की एक बार तो कह दिया सात घोड़ा से कि जो है आप खेती का ध्यान रखा करो ठीक है फिर भी जो है सात घोड़ा अपनी दयालु प्रवृत्ति होने के कारण वे चुपचाप शांत भाव से वहां पर बैठ जाते और नमोकार मंत्र का जाप किया करते थे देखते रहते थे पक्षियों को खाने दो कोई बात नहीं कोई कमी नहीं होगी आज अपनी जैन समाज धनाढ़ क्यों क्योंकि जैन समाज जो है हमेशा दान में प्रवृत्ति रखती है त्याग में प्रवृत्ति रखती है क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान भी छोड़कर के गए इसलिए हमारे जैनी भाई भी जो है हमेशा जो है वह दान में प्रवृत्ति रखता है त्याग में प्रवृत्ति रखता है इसलिए सबसे पहले प्रातः काल में आकर के भगवान के चरणों में हम अपने द्रव्य को समर्पण करते हैं कि भगवान ये द्रव्य आपका है मेरा नहीं है इसलिए जैन जो हैं आज धनाढ्य दिखाई देते हैं और जो हैं जैन समाज कभी भूखी नहीं मर सकती है जिस समय 1856 में अकाल पड़ा था उस समय जो है सारी जनता सरकार के पास में गई लेकिन जैन समाज ने कभी सरकार के सामने जो है हाथ नहीं फैलाया क्योंकि यह दान की प्रवृत्ति ये दान के संस्कार ये त्याग के संस्कार अपने जीवन में विरासत के रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं तो शांति सागर जी महाराज सात घोड़ा जो है वे अपने जीवन में पक्षियों को नहीं उड़ाते थे और जो है पीठ करके बैठ जाते थे और जब फसल कट करके आती तो पड़ोसी की फसल से दुगुनी फसल जो है सात घोड़ा के घर के अंदर आ जाया करती थी यह दयालु प्रवृत्ति सात गौड़ा की जब गृहस्थ जीवन में इतनी दया के भाव की पक्षियों को भी नहीं उड़ाते थे और तो फिर संयमी जीवन में उनके भीतर किस प्रकार से दया की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और जो है उन्होंने हर कौम के लिए सोचा हर कौम के लिए सोचा और जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है हर व्यक्ति के लिए उपदेश प्रदान किया उनको मार्गदर्शन दिया और जो है अपने श्रावकों को जो है उनको ये कहा कि भूखे व्यक्तियों को अनाज दे कोई भी सृष्टि पर जो भूखा नहीं रहे ऐसा उपदेश दिया और जो है आज हमें अपने जीवन में जो है वो एक एक बात का हम स्मरण करते हैं तो हमारे रोम रोम विकसित हो जाते हैं कि महापुरुष अपने जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति से अपने जीवन के अंदर भव्य जीवों को जो हैं वे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं उनके लिए कल्याण का मार्ग बतलाते हैं जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार गृहस्थ जीवन में शौच क्रिया के लिए जा रहे थे पहले के लोग गांव के बाहर जा कर के शौच क्रिया करके आते थे ये तो अपन लोगों ने भी देखा लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो है पहले के लोग घर के अंदर भोजन करते और बाहर मल निकालने के लिए जाया करते थे आज उल्टा हो गया बाहर खा करके आता है और घर के अंदर गंदगी को निकालता है घर के अंदर जो है सारे रोग का क्योंकि सारा अटैचमेंट हो गया ये अटैचमेंट की जिंदगी ने जो है आज सब कुछ व्यक्ति को रोगी बना दिया तो सात घोड़ा जो है शुद्धि करने के लिए जंगल के अंदर गए तो जंगल के अंदर गए देखो जंगल में जाने से क्या होता है एक तो शुद्ध वायु हमें मिला करती है ऑक्सीजन हमें मिला करती हैं हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है आज व्यक्ति के जीवन में शुगर बढ़ी तो क्यों बढ़ी क्योंकि हम चेयरमैन बन करके बैठ गए इसलिए आज व्यक्ति के जीवन में शुगर बढ़ गई पहले के लोगों में शुगर नहीं थी लेकिन जहां खुली हवा मिलती थी हमारे सारे शरीर का संचार ऊपर से नीचे तक बराबर बना रहता कोई किसी प्रकार की औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी आज तो सवेरे सब उठते सबसे पहले दवाई लाओ साहब दवाई लाओ दवाई लाओ दवाई के बिना जो है हमारा कोई जीवन नहीं दिन में पंद्रह पंद्रह बीस बीस गोलियां हम खा लेते हैं क्यों क्योंकि हमने अपने जीवन में जो है ऐसा काम किया जिसके कारण आज हमें गोलियां खाना पड़ रही है तो सात घोड़ा जो है मल्क शुद्धि के लिए गए और क्या देखा रास्ते में घटना घट गई एक घटना घट गई और घटना घटने के उपरांत जो है देखा इस प्राणी की रक्षा होनी चाहिए यदि आज मैंने इस प्राणी की रक्षा नहीं की तो मेरा मनुष्य जन्म बेकार है यदि सामने कोई प्राणी हिंसा कर रहा है और यदि आज उसे हम बचाते नहीं हैं तो हमारा मन क्या कहेगा कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए यदि रक्षा नहीं करते हैं तो आज जो है हमारा जीवन बेकार है क्योंकि दया सबसे बड़ा धर्म है जहां सात गोड़ा के मन में आया इस प्राणी की रक्षा होनी चाहिए यदि आज इस प्राणी की रक्षा नहीं की तो बहुत बड़ा पाप मेरे ऊपर जाएगा और जो है उन्होंने क्या किया कि इस प्राणी की रक्षा कैसे करें घटना यह थी कि जो है मेंढक आगे आगे चल रहा था और पीछे सांप अब मेंढक तो फुदकता फुदकता जा रहा था सात घोड़ा ने सोचा कि मेंढक को पकड़ लेगा चार हाथ की दूरी पे है मेंढक आगे आगे फुदकता फुदकता भागता जा रहा है और पीछे सांप जो है उसके लगा हुआ है कैसे रक्षा करें तो उनके हाथ में लोटा था पानी से भरा हुआ लोटा था और वो लोटा जो है महाराज ने एक पत्थर पर फेंक दिया पत्थर पर जैसे ही फेंका कि वह सांप जो है उस लोटे की आवाज को सुन करके भाग गया उस मेंढक की रक्षा हो गई जब सात गोड़ा घर पर गए और घर पर जाने के बाद जब मां ने पूछा सत्यवती ने कि बेटा ये लोटा कैसे फूटा ये लोटा कैसे फूटा तो सात घोड़ा ने कहा कि मां आज मैं जंगल गया था और जो है वहां पर एक सांप मेंढक का पीछा कर रहा था मेरे मन में दया का भाव आया क्योंकि दया का पाठ आपने ही पढ़ाया था कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए तो मैंने जो है जीव रक्षा के निमित्त उस मेंढक के प्राणों की रक्षा के निमित्त आज जो है मैंने उसकी रक्षा के लिए मैंने अपने लोटे को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया जिसके कारण जो है यह लोटा टूट गया है और जो है उस मेंढक के प्राणों की रक्षा हो गई जब ग्रस्त जीवन में ऐसी दया के भाव तो संयमी जीवन में कितनी दया का भाव उन्होंने अपने जीवन के अंदर रखा एक से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत उन्होंने अपने जीवन में दया का भाव ऐसा रखा जिसके कारण जो है वे अपने जीवन में पुण्य संपादन करते रहे जब आचार्य शांति सागर जी महाराज गुफा में ध्यान कर रहे थे और गुफा में ध्यान कर रहे थे तो क्या हुआ नीचे से एक मकोड़ा वह प्रवेश कर गया यदि अपने शरीर के ऊपर मकोड़ा चढ़ जाए तो क्या करोगे हैं? तत्काल जो है उस मकोड़े को हम हटा देंगे थोड़ी चीटी काट खाए तो मच्छर काट खाए तो तत्काल हमारा हाथ वहां जाता है लेकिन सात घोड़ा जो है जब ध्यान में संलग्न थे और एक बड़ा मकोड़ा जो है वह नीचे प्रवेश कर गया और प्रवेश कर गया और जो है पुरुष लिंग पर जाकर के चिपक गया ध्यान रखना घोड़ा और मकोड़ा यदि एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं ऐसा तीक्ष्ण डंक मारते हैं ऐसी तीक्ष्ण पकड़ जो है उनकी हुआ करती है वो अपने प्राणों को छोड़ देगा लेकिन उस चमड़ी को नहीं छोड़ेगा जब वह मकोड़ा काट रहा था उस समय जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज ने विचार किया कि जो है ये मकोड़ा है कितने इंद्र जीव है तीन इंद्रिय जीवे है रसना रचना और घ्राण ये तीन इंद्रिया उसकी होती है आज जो है इसको अपने जीवन में मैं ही मिला दूसरा कोई नहीं मिला और जो है वह पुरुष लिंग पर जो है उसने पकड़ लिया और उनको काटता रहा और उनका खून चूसता रहा अब जो है वह रक्त निकलता रहा निकलता रहा पास में जो है आचार्य नेमी सागर जी महाराज उस समय ग्रस्त अवस्था में थे उनका नाम था ब्रह्मचारी ये के थे जो कि आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पद के दिन इनकी दीक्षा हुई थी आचार्य वीर सागर जी महाराज और आचार्य नेमी सागर महाराज की और जो है जब देखा और देख करके जो है कहा कि महाराज के रक्त की धार बह रही है अब कैसे उनको हम बचाएं कैसे जीव को निकालें यदि जीव को निकालते हैं तो शांति सागर महाराज का ध्यान भंग होता है चुपचाप बैठे इधर शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में चिंतन कर रहे हैं क्या चिंतन कर रहे हैं अपन क्या चिंतन करते हैं यदि अपने शरीर पर मकोड़ा चढ़ जाए पहली बात तो अपन हटाते ही देते हैं लेकिन जब हटाते नहीं है तो फिर क्या चिंतन आता है कि मैं भी जिस पर्याय में मैं मकोड़ा बना था और ये मनुष्य था मैंने जो है कीड़े मकोड़े की पर्याय में रह करके मैंने भी इनका खून चूसा था इनको काटा था इसलिए जो है आज वो जो है मेरा खून पीने के लिए आया है लेकिन हटाया नहीं हटाया नहीं वह डंक मारता चला जा रहा है और जो है इतनी सूजन आ गई इतनी सूजन आ गई कि वेदना अलग हो गई फिर भी शांति सागर जी महाराज टस से मस नहीं हुए और जो है उन्होंने विचार किया काट लो जितना काटना हो क्योंकि मैंने जो ऋण लिया हुआ है कर्जा लिया हुआ है पिछले जन्म का वो सब जो है आज मैं यहां चुकतारा करता हूं वो ऋण आज मैं चुकतारा करता हूं कोई बाकी नहीं रहना चाहिए हिसाब किताब बराबर हो जाए इस बात का विचार करके वे अपने ध्यान साधना में लीन हो गए जब वह मकोड़ा वहां से हटा तब शांति सागर महाराज का ध्यान भंग हुआ ऐसी जो है दया आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में थी वो दया का पाठ स्वयं ने पढ़ा और सारी जनता को पढ़ाया और वह दया जो है आज हमारे जीवन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि आज जो है हम इन कोमल पिछी के द्वारा जीवों को हटाते हुए जीवों की रक्षा करते हुए अपने धर्म का परिपालन कर रहे हैं ये संस्कार दिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिनका उपकार हम स्मरण अपने जीवन में हम कर रहे हैं जिंदगी भर यदि शांति सागर महाराज का स्मरण करते रहे तब भी उनके उपकारों का बदला हम अपने जीवन के अंदर नहीं चुका सकते हैं इसलिए जो है हमें प्रतिदिन आचार्य शांति सागर महाराज का मंगलमय स्मरण करना चाहिए और जो है अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहिए बोले परम पूज्य चारित्र आचार्य शांति सागर जी महाराज की